शाहजहांपुर जिले के खन्नौद नदी में साफ सफाई न होने के चलते एक युवक ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस युवक ने नदी की धारा को ही धरना स्थल बना दिया। जिसने भी इस युवक को देखा तो वो हैरत में पड़ गया। कोई ये समझ रहा था कि ये युवक नदी में नहा रहा है, कोई ये समझ रहा था कि ये युवक नदी में डूब रहा है। हद तो तब हो गई जब पुलिस युवक की विनती करती हुई नजर आई। आखिरकार पुलिस ने युवक को काफी मुशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला और अपने साथ युवक को थाने में ले गई। मैंने धरना जो किया है सफाई अभियान को लेकर था, सफाई को लेकर था, जहां एक तरफ सरकार गंगा नदी सफाई की अभियान की बात कर रही, सफाई करवा रही है, गंगा नदी की लाखों रुपया खर्चा कर रही, वहीं शाहजहांपुर में देखा जा रहा है इस तरीके से गंगा नदियां हैं जो उसमें पोलोथीन और गंदगी और गंदे जानवर डाले जा रहे हैं। इस तरीके जहां पर मूर्तियों का दर्शन होता, पूजा होती है, सभी कुछ होता है वहां पर, उसके बावजूद इस तरीके की गंदगी है, बार बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं दे। तो प्रशासन और शासन के ध्यान देने के लिए मैं नदी में घुसा था, ताकि और जो मछलियां भी उसमें कम होती नजर आ रही हैं, तो मैं इसीलिए घुसा था। और सिटी मजिस्ट्रेट महोदया मुझे कहती हैं, जब मैं प्रार्थना पत्र देने कई बार गया तो बोली मैं जेल भेज दूंगा, मुझको धमकी दे रही। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? मैं तो नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों पर चल रहा हूँ और इस मैं काफी समय से कर रहा हूँ। जब अखिलेश सरकार थी तब भी मैं सफाई अभियान को लेकर कई बार प्रार्थना पत्र दिया था, मगर ये बहुत बड़ा अपने आप में वो सवाल है कि मुझको धरना नहीं देने दिया गया। और रोजा पुलिस ने मुझको काफी देर बैठाला इससे पहले जब मैंने धरना किया था। आज हमें फिर जब मैं धरना के लिए नदी में बैठा था तो मुझको पुलिस पकड़ लाई और काफी देर मुझको बैठाले रखा है। और तब यहाँ पर मैं सफाई अभियान की बात कर रहा हूँ। मैं अब जही जनता को संदेश देना चाहता हूँ, रैलियाँ तो निकलती हैं मगर सफाई नहीं होती है। वहाँ पे रैलियाँ निकलती हैं जहाँ पे सफा होते हैं, आगे पीछे सफाई कर्मी लगे होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ पे जितने लोग सफाई अभियान में शामिल हैं, जो रैली में हैं, वो ट्राली लगे और तुरंत कूड़ा उसको उठाया जाए और फेंका जाए तो सफाई अभियान हो तो अच्छा लगता है। ये क्या रैली खाली करी और खत्म, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। गंदगी वही की वही पड़ी रहती है, इसी कारण बीमारी बन रही है। पोलोथीन की बात करें तो पोलोथीन अब खुले आम चल रही है, तो यही सारी बीमारियों हैं। यही हम चाहते हैं अपने देश को नंबर 1 बनाना। बस